लेकिन क्या होता है या नहीं, ये अगले दिन आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी। अब आज अगर आप देखें, वोलेटाइल सेशन रहा 21 को, डे टाइम में नेगेटिविटी भी शो हुई, पहले पॉजिटिविटी शो हुई, फिर उसके बाद एकदम से नेगेटिविटी भी शो होना शुरू हो गई। तो जब ये मार्केट 500 600 पॉइंट्स नेगेटिव हुई, तो उस वक्त मुझे आइडिया हो गया था कि अब ये अच्छी चीज हो गई है कि साइकोलॉजिकली इंडिविजुअल या वीक जो प्लेयर्स हैं उनको एक डरावा दिया गया है कि अब ये मार्केट को गिराया जा सकता है दोबारा से। तो मैं तब बाइंग साइड पे आ गया था जब 400 500 पॉइंट नेगेटिव हुई है, उस वक्त मैंने बाइंग की है। और वही बात हुई, साइकोलॉजिकली है ना, आपने इसमें साइकोलॉजी भी समझनी है इनकी, कि ये चाहते हैं कि इंडिविजुअल या वीक प्लेयर्स जो है ना वो डर डर के खेलते रहे और हम एग्रेसिव खेलें, और ये आपके वीकनेस और वीक पॉइंट को यूटिलाइज करें। तो इसको जो है, आप अगर देखें तो बाइंग हो गई, अब आपका ये फीपी लिपी का डाटा है एक दिन का, लेकिन क्या सिर्फ एक दिन पे आपको पूरा का पूरा एनालाइज कर लेना इनफ है? नहीं इनफ, वीकली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है। तो ये एक मंथ टू डेट आ रहा है जी, तकरीबन 20 दिन का डाटा, यकम दिसंबर से 20 दिसंबर तक का। इसमें अगर आप देखें, फॉरेन कॉरपोरेट्स की 28 मिलियन डॉलर की नेट बाइंग है, बैंक्स की नेट सेलिंग है 6.5 मिलियन डॉलर, ब्रोकर्स की नेट सेलिंग है, कंपनीज की नेट सेलिंग है, इंडिविजुअल्स की भी नेट सेलिंग है इस मंथ में, इंश्योरेंस कंपनीज की थोड़ी सी बाइंग है और म्यूचुअल फंड्स की भी नेट सेलिंग है। तो टेक्निकली देखा जाए तो इस पूरे मंथ में जो नेट बायर्स हैं वो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं या थोड़ा सा इंश्योरेंस कंपनीज हैं, बाकी तकरीबन सारे सेक्टर्स ने अच्छी खासी सेलिंग शो की है। तो ये जो सेलिंग है ये आपको इस पूरे मंथ का पैटर्न शो कर रही है कि ये शुरू से आहिस्ता आहिस्ता करके ये थोड़ी थोड़ी करके सेलिंग कर रहे थे, अभी तो ये कल बाइंग आई है अच्छी खासी इंश्योरेंस में, इसके बावजूद ये नेट सेलर्स हैं। तो ये दिसंबर का जो पैटर्न था, थोड़ा थोड़ा आइडिया हो रहा था कि ये आहिस्ता आहिस्ता सेलिंग वाली साइड पे जा रहे हैं, लेकिन अगर आप ये स्टार्ट वाले 10 दिन का एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा तकरीबन सारे प्लेयर्स की नेट बाइंग थी ये दिसंबर के मंथ में। तो आखिरी जो 6 7 सेशंस गुजरे हैं उसमें वो थोड़ा थोड़ा करके नेट सेलिंग करते रहे। तो ये आपको एनालाइज करने का मौका मिलता है कि किस सेक्टर में ज्यादा सेलिंग की है, जैसे बैंक्स में इन्होंने बाइंग किया फीपी ने पूरे मंथ में, सीमेंट में 5.5 मिलियन डॉलर की नेट बाइंग है, फूड सेक्टर में नेट बाइंग है, तो पावर सेक्टर में नेट बाइंग है, टेक्नोलॉजी में है, तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में नेट सेलिंग है। तो इसका मतलब है कि जो सेक्टर में ज्यादा प्लेयर्स की नेट बाइंग आ रही है एक मंथ में, उनमें पोटेंशियल ज्यादा है। जैसे ये बैंक्स में फीपी भी शो कर रही है, कंपनीज ने भी नेट बाइंग की है, इंडिविजुअल्स ने भी बाइंग की है, और जो ये तीन तीन जो है मेन प्लेयर्स बाइंग वाली साइड पे थे, जहां पे ज्यादा प्लेयर्स बाइंग साइड पे शो हो रहे हैं, नेट पॉजिटिविटी शो हो रही है जिस सेक्टर में, आप उस सेक्टर को फोकस करके इजीली अपना स्टॉप लॉस रख के ट्रेड ले सकते हैं। तो ये है जी फीपी लिपी रीड करने का, लेकिन एक दिन को एनालाइज करके अपना डिसीजन नहीं लेना, कुछ दिन मुसलसल आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ट्रेंड पैटर्न उनका क्या चल रहा है, उस हिसाब से आप भी उस प्लेयर्स के अकॉर्डिंग अपनी मूव डिसाइड करते जाइए, अपना रिस्क क्लियर रखें और कोशिश करें लीवरेज से ज्यादा रेडी मार्केट में बाइंग करें, और अभी उन शेयर्स में बाइंग करें जिनमें वॉल्यूम अच्छे आने शुरू हो गए हैं लेकिन उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, लोएस्ट साइड पे उनकी प्राइसेस हैं। 2 3 मंथ में आपको पता चलेगा कि वो शेयर्स भी आउट परफॉर्म करेंगे। तो ये इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी है, जो लीवरेज पे है वो अपना स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रख के तो ट्रेड कोशिश करें, या तो इंट्राडे क्लियर करें, अगर तो बहुत बुलिश मोमेंटम है तो फिर अपना डेली का स्टॉप लॉस एक डिजाइन करें कि जी 4 5% ओवरऑल पोर्टफोलियो का होना चाहिए, लेकिन अगर लीवरेज में है तो फिर आपका ये स्टॉप लॉस काफी लो हो जाता है, 2% 1.5%, इतना स्टॉप लॉस रख के आप ट्रेड ले सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लें, मैं कोशिश करूंगा कि इसी तरह आपको फर्दर चीजें अपडेट करता रहूं, एक और वीडियो भी आएगी जल्दी सेटलमेंट रेशियो को कैसे रीड करते हैं, वो भी बहुत जल्द अपलोड करूंगा। तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेगुलरली कुछ ना कुछ डाटा मिलता रहे। दुआओं में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।